हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो जानेंगे अगर आप जो प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम ऐप अपडेट करते हैं और इंस्टाग्राम ऐप अपडेट नहीं हो रहा तो किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर जो मैं प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर जो इंस्टाग्राम ऐप अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई और एप्लीकेशन में अपडेट करने की कोशिश करता तो वहाँ पर वो एप्लीकेशन भी अपडेट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको भी जो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, अगर आप जो प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है। अगर इंस्टाग्राम ऐप अपडेट नहीं हो रहा तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपका मोबाइल का इंटरनेट है वो यहाँ पर चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो आपका मोबाइल का इंटरनेट है वो यहाँ पर कनेक्शन सही नहीं होता है, आपके मोबाइल में जो सही से इंटरनेट नहीं चलता है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट काम करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो आपके मोबाइल में जो इंटरनेट सही से चला या नहीं चला। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट चला फिर भी आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आपको यहाँ पर सेकंड काम आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जब अपने फ़ोन में जो फ्लाइट मोड ऑन कर देना, फिर से आपको जो इसको ऑफ कर देना और फिर यहाँ पर आपको जो है और फिर आपको यहाँ पर जो इंस्टाग्राम आपको अपडेट करके देखना कि जो यहाँ पर इंस्टाग्राम है वो अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर यहाँ पर इंस्टाग्राम ऐप अपडेट नहीं होता तो आपको यहाँ पर थर्ड काम आपको यहाँ पर क्या करना, आपको प्ले स्टोर का होम पेज पर जाना, उसके बाद यहाँ पर आपको जीमेल का आइकन देगा, सिंपली आपको जीमेल का आइकन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर एक लिखा होगा सेटिंग, सिंपली आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से जगह, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नेटवर्क प्रेफरेंस का, तो सिंपली आपको नेटवर्क प्रेफरेंस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो फिर से कुछ ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देख रहा होगा ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ये देखना है कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट है या नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप लोग जो है ओवर वाईफाई ऑनली सिलेक्ट कर देते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो आपका ऐप है वो अपडेट नहीं होता। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ पर सिलेक्ट है या नहीं। अगर फर्स्ट वाला सिलेक्ट नहीं होता तो यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर डन कर देना। अगर फर्स्ट वाला पहले से सिलेक्ट है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको डन कर देना और यहाँ पर आपको बैक आ जाना। अब यहाँ पर आपको जो ऑटो अपडेट ऐप से पर क्लिक कर देना और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो इसको भी जो है ओवर एनी नेटवर्क पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से इसको भी आपको डन कर देना। डन करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना और यहाँ पर आपको सर्च करना इंस्टाग्राम। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट करके देखना है यहाँ पर जो इंस्टाग्राम ऐप है वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर यहाँ पर इंस्टाग्राम ऐप अपडेट नहीं होता तो आप जाइएगा अपने फ़ोन के सेटिंग में, ठीक है। आपको जाना है फ़ोन के सेटिंग में, तो यहाँ पर फोन के सेटिंग में आपको चले जाना है। फोन के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स का, तो सिंपली आपको ऐप्स पर क्लिक कर देना है। अब हो सकता है कि मेरे मोबाइल में ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके मोबाइल में ऐप्स का ऑप्शन है, ठीक है। कई लोगों के मोबाइल में एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, कई लोगों के मोबाइल में जो है मैनेज ऐप्स का ऑप्शन आता है, तो आपको देखना कि आपके मोबाइल में क्या ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में ऐप्स का ऑप्शन आता है तो आपको ऐप्स पर क्लिक कर देना। अगर आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन का ऑप्शन आता था तो आपको जो एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। अगर आपके मोबाइल में जो मैनेज ऐप्स का ऑप्शन आता तो आपको जो मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर देना। तो मेरे फोन में अभी ऐप्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पर मैं ऐप्स पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से कुछ ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना और यहाँ पर आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ढूंढना है कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें प्ले स्टोर एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो सिंपली आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपको यहाँ पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम होता है, अगर यहाँ पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको सर्च बार दिया गया, आप सर्च बार पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो डायरेक्टली प्ले स्टोर को सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्ले स्टोर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने लगेगा क्लियर डाटा का, तो सिंपली आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करके और यहाँ से आपको क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक कर देना और यहाँ से ओके कर देना। जो प्ले स्टोर का डाटा उसको आपको क्लियर कर देना। और कई मोबाइल में जो है यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन नहीं होता। अगर आपके मोबाइल में जो क्लियर डाटा का ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ पर लिखा रहेगा स्ट्रॉन्ग यूजेज का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर जो है आपको क्लियर डाटा करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, जो इंस्टाग्राम ऐप अपडेट नहीं हो रहा था अब यहाँ पर इंस्टाग्राम ऐप अपडेट होने लगेगा। प्ले स्टोर ओपन करने बाद यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम टाइप करके सर्च करना और यहाँ पर इंस्टाग्राम ऐप आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इंस्टाग्राम ऐप अब जो है अपडेट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी मैंने अपडेट पर क्लिक किया और यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर जो इंस्टाग्राम ऐप है वो यहाँ पर अपडेट होने लगेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, क्योंकि ये जब आप प्ले स्टोर का डाटा क्लियर करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है इसको जो है लोडिंग लेने में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इंस्टाग्राम ऐप है यहाँ पर अपडेट होने लगा। तो इस तरीके से आप जो इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो उसका बेल का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर लेते वीडियो देखा सबसे पहले।